अगर आप एक आईफोन 14 लेते हो और लेने के बाद आपको पता चलता है कि 13 में और 14 में कुछ डिफरेंस ही नहीं है, पर अभी भी देर नहीं हुई है, अगर आपको आईफोन 13 लेना है और आपका आईफोन 14 दे देना है, तो आपको फिर से एप्पल स्टोर में जाना है, उनको आपको इनवॉइस दिखाना है, जिस दिन आप आईफोन परचेस करते हो उससे अगले 14 दिन तक आप ये डिसाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको आईफोन 14 रिटर्न करना है, आईफोन 13 लेना है, और जितनी डिफरेंस अमाउंट है वो आपके बैंक में क्रेडिट हो जाएगी।